नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर अभिभावक सड़क पर हैं, तो उधर निजी स्कूल संचालक और शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल के शुरू होने के साथ से ही स्कूल बंद हैं, लेकिन इस दौरान स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन देने का रास्ता तैयार किया, जिसका भार स्कूलों और अभिभावकों दोनों पर पड़ रहा है। लेकिन इस बीच सरकार ने फीस स्थगित करने के आदेश को स्कूल खुलने तक बढ़ा दिया है। इसके बाद निजी स्कूल संचालक सड़कों पर आंदोलन करने उतर गए हैं। को ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं, उनके घर तक ला रहे हैं। हमने ये सोचा चलो वो स्कूल तक बच्चे नहीं आ सकते तो हम उनका घर तक पहुँचे। हम ये रहते हैं जिनके पास प्राइवेट सेक्टर में लोन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इतनी मुश्किल के बाद भी लैपटॉप खरीदा उन्होंने, ठीक है, और वाईफाई कनेक्शन ले रहे हैं बस पढ़ाने के लिए। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार ने आर्थिक पैकेज नहीं दिया, अभिभावकों से फीस नहीं आ रही, ऐसे में निजी स्कूलों के पास कोई रास्ता नहीं है। उधर अभिभावकों ने अपनी मांगों को लेकर अब प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रणनीति बना ली है। स्कूल फीस का मुद्दा लॉकडाउन के बाद से ही उठा। इसके बाद कई निजी स्कूलों ने पहले तिमाही की फीस में राहत जरूर दी, लेकिन इस बीच सरकार ने फीस स्थगित के आदेश दिए, तो अभिभावकों ने इसको फीस माफ समझ लिया। हालांकि अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाने के निर्देश भी शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए, लेकिन इन आदेशों के बाद निजी स्कूलों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। प्रदेश की 40,000 स्कूलों में लगभग 10 लाख शिक्षकों के रोजगार पर सीधा संकट खड़ा हो गया है। इन शिक्षकों की रोजी रोटी अभिभावकों की फीस पर टिकी हुई है। ऐसे में कई स्कूलों में तो शिक्षकों को घर पर बैठने को भी कह दिया गया है। फिलहाल ना तो सरकार ने कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है और ना ही विपक्ष ने फिलहाल इसे अपने हल्ला बोल अभियान में जगह दी है। हमारी जो मेन मुख्य मांग जो सरकार और निजी स्कूल संचालकों से है वो केवल इतनी सी है कि इस कोरोना पैंडेमिक में जो अभिभावक जिनकी जो निजी अपने व्यवसाय करते हैं, जो निजी नौकरी करते हैं, वो लोग जो जितनी कैपेसिटी से अर्न करते थे वो अर्निंग उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो इस लिहाज से गोविंद सिंह डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा था, अपने उनका एक वीडियो जारी हुआ था सभी जगह अभिभावकों के ग्रुप में, कि जब स्कूल खुल नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की, उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन सरकारों निजी स्कूलों की आपसी जो उनकी जो राजनीतिक जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उसके चलते परिवार अभिभावकों को परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल स्कूल फीस का मुद्दा चुनौती बना हुआ है। कोरोना काल का फिलहाल अंत दिखाई नहीं देता है और ऐसे में ये चुनौती और बढ़ती दिखती है, क्योंकि यदि आने वाले 2 महीनों में स्कूल खुलते भी हैं तो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे, और ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार इस मसले पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना के चलते कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, समाज अस्त व्यस्त है, सिस्टम चरमरा रहा है। हम बात कर रहे हैं बच्चों के उस भविष्य की जो सीधा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन में इस वक्त सरकारें कोई पॉलिसी बना नहीं रही हैं, लेकिन स्कूल में जहां डिसिप्लिन भारत का भविष्य, हम ये कहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिलते हैं, लेकिन वहां की जो कुछ इस तरह की उलझने हैं वो सड़क पे आ रही हैं। अभिभावकों का साफ कहना है कि नो स्कूल नो फीस, लेकिन फीस के साथ एक चैन जुड़ी हुई है। अभिभावक जो फीस देते हैं उनसे स्कूल चलता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, वहां का स्टाफ होता है, प्यून से लेकर के प्रिंसिपल तक, दूसरा जो मंत्रालय कर्मचारी जिसे कहते हैं बाबू वगैरह, वो सब लोग भी होते हैं। एक ऐसी चैन बनी हुई है कि अगर ये कहीं पे भी ब्रेक होती है तो निश्चित मान के चलिए कि एक तबका का जो ताना बाना बुना हुआ है वो अस्त व्यस्त होगा। तो ऐसे में क्या क्या जाए, और सरकारों की ओर सब देख रहे हैं, सरकार खामोश है, अभिभावक आंदोलन के राह पे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि राजस्थान बंद 31 अगस्त को करेंगे, दूसरी तरफ कुछ लोगों को पैसे काट के दिए जा रहे हैं, बड़ी अजीब स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन सरकारें खामोश क्यों हैं, बड़ा सवाल ये है। तो चलिए इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार भाजपा से पंकज जोशी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ टीचर नीतू बैद जी जुड़ रही हैं, और अभिभावक हैं शान शर्मा जी। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा, ये एक ऐसी स्थिति में आकर के हम खड़े हो गए हैं कि ना अभिभावकों को कोई रास्ता सूझ रहा, ना स्कूलों को दिख रहा कुछ कि हो क्या। सरकारों ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है, सिर्फ अभी एक लॉक और अनलॉक ये गाइडलाइन चल रही है। स्कूलों की फीस दी जाए नहीं दी जाए, कब तक नहीं दी जाए, पर कही थी कि चलो इसको पोस्टपोन कर देते, पोस्टपोन जमा कराने की पोजिशन को, स्कूल फीस को नहीं। तो ऐसे में आपको लगता है कि एक अराजकता की स्थितियां बन सकती है, अभी तक सरकारें क्यों खामोश हैं? पंकज जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार को जिस चीज को चाहिए था, जिससे पॉलिसी बननी चाहिए थी, वहां पर नहीं बनी। क्योंकि देखिए, क्योंकि रीजन क्या है कि आज भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कई तरीके के स्कूल हैं भाई, बहुत छोटी स्कूल्स भी हैं, मीडियम क्लास स्कूल्स भी हैं, और बड़े बड़े ग्रुप जो स्कूल चला रहे हैं वो स्कूल्स भी इसके अंदर हैं। तो जो बड़े बड़े ग्रुप स्कूल चला रहे हैं उनकी भी परेशानी नहीं है, क्योंकि देखिए उनके पास तो रिजर्व भी है, असेट्स भी है, और बड़े जो है उनके पास में सेटअप भी है, तो वो एक चीज इसको देख सकते हैं। लेकिन बहुत छोटी स्कूलें हैं और जो मीडियम क्लास स्कूलें हैं वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा हैं। तो तीनों की तरह की एक लगातार जो है, देखिए पोस्टपोन की जहां तक समस्या है, पोस्टपोन में आने वाला टाइम ऐसा नहीं आएगा कि एकदम सैलरीज बढ़ जाएंगी या एकदम इनकम्स बढ़ जाएंगी। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं पोस्टपोन के बजाय आप आज ही से कहना शुरू करें कि भाई ये चीज आगे नहीं आ पाएंगी और इनको जो है ये जितनी माफी होनी चाहिए माफ होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स के साथ में वेलफेयर, जो अभिभावक की जो मीटिंग्स है, अभिभावक की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो आज तक नहीं बनी है। कहीं भी आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन कमेटीज कहीं नहीं बनी है, ना कोई फीस के रूल्स अभी तक एप्लीकेबल किए, वो एप्लीकेबल है स्कूलों के पास में, अपनी मर्जी के हिसाब से वो चल रहे हैं। और अब जब ये हालात पैदा हो गए हैं कोविड जैसे हालात, तो वहां एक तरफ स्कूल अपनी मनमानी पर है, एक तरफ अभिभावक जो है अपनी मजबूरी पर है। तो ये जो चीजें हैं इनमें कहीं ना कहीं सरकार को दखल देना होगा, और सरकार यदि दखल नहीं देगी तो हालात और भी ज्यादा खराब नजर आएंगे। किस सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? मैं कह रहा हूँ ये तो राज्य सरकार के मामले सीधे सीधे जी, लेकिन ये कहते हैं कि ज्यादातर जो पेचीदगी आ रही है सीबीएसई की जो है उनमें आ रही है, तो उसमें ये इंतजार किया जा रहा है कि वहां से एचआरडी मिनिस्ट्री से कोई गाइडलाइन ऐसी जारी हो तो उसके बाद में कुछ हो। नहीं नहीं देखिए, सीबीएसई से नहीं है, आपकी एफिलिएशन कहां से, एक अलग चीज है। एफिलिएशन तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लोगों को भी है, तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि प्राइवेट एफिलिएशन यूनिवर्सिटी आपने दे दी है तो उनके ऊपर सरकार के रूल लागू नहीं होंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं वो दोनों की बनाए, जिससे कम से कम इन रूल्स के ऊपर फॉलो हो और कनेक्ट बंद करके जो, क्योंकि आज चले मैं लिहाजा स्थितियां ये बन सकती है कि अराजकता का माहौल बन सकता है। जी
रिपीट करें आप योगेंद्र जी, आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि पंकज जोशी साहब ने अभी कहा राज्य सरकार को कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए थी कि स्कूल और अभिभावकों के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे, फीस का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं कंप्रोमाइज करना चाहिए था, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। ये आरोप बीजेपी का है, उसमें अभी तक किसी तरह का कोई दखल देकर के गाइडलाइन नहीं बना रही है स्टेट गवर्नमेंट। ये काम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, बीजेपी का साफ आरोप। योगेंद्र जी, सबसे पहले मुझे तो मैं नहीं समझता कोई स्कूल को यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है, बोर्ड से एफिलेटेड होता है, और सेंट्रल बोर्ड और राजस्थान बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड जो राज्यों में होते हैं उनके अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं। गाइडलाइन तो जारी केंद्र सरकार करती है, उसके अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है देश के ऊपर, वो जो गाइडलाइन देंगे उनके अंतर्गत ही राज्यों को काम करना पड़ेगा। अब फीस माफ करने की जहां तक बात है, देखिए कोई स्कूल फीस माफ नहीं कर सकता क्योंकि स्कूल चलेगा कैसे, रेवेन्यू आएगी कहां से, टीचर्स की तनख्वाह कहां से होगी, दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह कहां से होगी, इधर पेरेंट्स की मजबूरी है, उनका काम धंधा चौपट हो चुका, थ्री लेयर्ड हो चुका, तीन साल से हो चुका, कोविड से पूरा खत्म हो गया, अब वो कहां से फीस जमा कराएंगे बच्चों की। इसका तो अपन ने पहले भी एक दो बार डिस्कस किया था, उसका एक ही इलाज है कि पेरेंट्स की तो जो है जो जो सरकारी कर्मचारी या जिनकी तनख्वाहें आ रही है रेगुलरली वो तो दे पूरी फीस, और बाकी जिनकी नौकरी चली गई है उसका कोई एफिडेविट बनाया जाए, कोई ऐसा इवॉल्व करा जाए मैकेनिज्म कि वो जिनकी चली गई नौकरी उनकी जैसे आरटीई के बच्चों के फीस माफ होती है उनके लिए कुछ हो, और जिनकी हाफ हो गई वो जमी जाकर के, और टीचर्स की कटौती हो उसी रेशियो में, टीचर्स की कर्मचारियों की तनख्वाहें आप काट लीजिए, जब तो देखिए समाधान हो सकता है। अगर सारे लोग अड़ जाए स्कूल के पूरी फीस लेंगे तो भी नहीं हो सकता, जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है वो अड़ जाए तो भी नहीं हो सकता, इसका मैकेनिज्म आपको निकालना होगा। वरुण जी, सवाल ये है कि सरकारें खामोश क्यों हैं, सरकारें क्यों कुछ नहीं कर पा रही अभी तक। योगेंद्र जी, सरकारें खामोश नहीं है, केंद्र सरकार तो हाइबरनेशन में चली गई, क्वारंटाइन हो गई, बार बार ये खुद ही कतरा रहे थे, नहीं शुरू में ही कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने लग जाते, अभी ये तो गांधी परिवार रह गया, वो भी बोलना है गांधी परिवार की वजह से हो गई सारी एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स, ये सब बेकार बात करने की बजाय हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना होगा, और ये केंद्र सरकार को गाइडलाइन निकालनी चाहिए। रोज रोज कोई ना कोई गाइडलाइन निकालते हैं, लॉकडाउन अनलॉक फोर आ रहा है, वो कह देंगे साहब स्कूल कॉलेज खुलेगा ही नहीं एक नवंबर तक, एक अक्टूबर तक, फिर क्या करोगे आप, स्कूल वाले क्या करेंगे, राज्य सरकार को उसी के अनुसार चलना पड़ेगा कोई भी राज्य सरकार हो। और अगर राजस्थान सरकार सोई है तो यूपी सरकार गुजरात सरकार क्या डांस कर रही है, हम सो रहे हैं तो ये बेकार बात है। कांग्रेस और गांधी परिवार पे आरोप लगाना बंद करो और प्रैक्टिकल होना शुरू करो, जब आम जनता की समस्याएं सॉल्व होंगी। हर चीज में सो गलौत के नाम से घबरा रहे हो, सरकार गिरा नहीं पा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, अरे क्या बात है, गिरा रहे हैं। चलिए मैं ईशान शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा, ईशान जी आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए हमारे आज अगर जो जिनको उन लोगों कहीं हमारे सिस्टम में से निकल के आते हैं, जिनको सैलरी मिलती है वो मार्केट में पैसा जाता है, तो सरकार डिपेंड है वहां पे, आप तो मतलब कंप्लीट फीस माफी की डिमांड चल रही है, स्कूलों से कभी बात की है, आप अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो लाइब्रेरी फीस माफ करिए, या फिर आप डेवलपमेंट फीस को जो चार्ज लेते हैं उसको माफ करिए, मूल जो आपके ट्यूशन फीस होती है जो आपके टैक्स पेयर्स को उसमें रिबेट में मिलती है आप वो ले लीजिए, तो किसी आपकी आवाज कट रही है जोगेंद्र जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। ईशान जी मेरा सवाल ये है, मैनेजमेंट से या सरकार के स्तर पे कोई चर्चा हुई है आप लोगों की फीस का? बिल्कुल साहब, मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा जोगेंद्र जी कि ये भाजपा और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इन दोनों सरकारों को पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों को हम लोगों ने आज से एक महीने पहले ज्ञापन भेजा था, कांग्रेस सरकार को भी भाजपा सरकार को भी, सभी चीफ मिनिस्टर को, इवन सीजीआई, इवन प्राइम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, सभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और गवर्नरों को इन मुद्दों पे हम लोगों ने अवगत कराया था। उसके बाद स्कूलों में बकायदा खुद जाके पर्सनली ज्ञापन दे के आए, लेकिन मुद्दा ये है, अभी साहब कह रहे थे कि टीचरों की तनख्वाह कहाँ से निकलेगी, तो मैं ये जानना चाहूंगा, साहब से पूछना चाहूंगा कि जो पिछले 25 साल से स्कूलों में अनुदानित या गैर अनुदानित जितनी भी स्कूलें हैं उन सभी स्कूलों में एडमिशन फी के नाम से, किताबों के नाम से, पुस्तकों के नाम से, स्टेशनरी के नाम से, उसके अलावा आपके ड्रेसेस के नाम से,
अघोषित इनकम की जाती है, उसके अलावा डोनेशन का पैसा, सीएसआर का पैसा, उसके अलावा इनके सिक्योरिटी मनी जिनके ऊपर ये करोड़ों रुपए का ब्याज अर्जित करते हैं, वो सब पैसा कहाँ गया इनके पास? हम तो पहली बार इस कोरोना की चपेट में आज अभिभावक मांग रहा है इनसे, तो ये कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं। अब इनसे पूछा जाए, एज अभिभावक मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से भी, कांग्रेस वालों से भी, ये सरकार एक दूसरे पे थोप रही है, क्या इनके विधायकों के स्कूल नहीं है, भाजपा के स्कूल नहीं है? ये नजीर पेश कर देते भाई अपनी फीस माफ करके, कांग्रेस के विधायकों की स्कूल नहीं है, ये नजीर पेश कर देते सब अभिभावकों की? अभिभावक आज त्रस्त है, हालत ये है, घर चलाने में दिक्कत आ रही है, ये बैठे हमारे वोटों से इनके सरकार बनती है, आज हमको ये दोहराए पे खड़े कर रखे हैं। ये शर्म आनी चाहिए, दोनों सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि ये बैठ के खाली भाजपा कांग्रेस करते हैं, अभिभावक कहाँ है इनके बीच में? अभिभावकों को क्यों पीस रहे हैं ये? स्कूल वाले तो मनमानी कर ही रहे हैं, उसके बावजूद इन लोगों के तरफ से अभी तक कांग्रेस जो भी सरकारें हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं फीस के लिए ये स्कूलों के ऊपर बात कर रहे हैं? मेरा तो सिंपल सा सवाल है इन सभी सरकारों से। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार नीतू वैद्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, नीतू जी आपके पास आना चाहूंगा। जी सर, कुछ बातें होती हैं वहां पे कि फीस को लेकर के किस तरह की स्थिति हो, क्या हो, हालांकि आप मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है लेकिन एक टीचर हैं, एक अभिभावक भी हैं, कभी कुछ चर्चाएं होती हैं वहां पे कि हाँ क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, इन दिनों तो वैसे भी हम स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल की जो परिस्थिति है वो हमें नहीं पता अंदर की, हम लोगों को जो सैलरी मिल रही है उससे हम खुद ही इतने परेशान हैं कि हम लोगों का ना तो खुद सफर कर पा, ना सर्वाइव कर पा रहे हैं, ना हम अपने बच्चे को जो है एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उसे जाना है तो उसको फीस दे पा रहे हैं। हम इधर से लड़े कि हम टीचर हैं हमें सैलरी चाहिए, या हम एज ए पेरेंट लड़े कि हमें भी आगे जो है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पेमेंट देना है, तो वो कहाँ से निकाले? लड़ाई हम आपस में कर रहे हैं, हमारा जो सोल्यूशन है वो कोई दे नहीं रहा, ना तो सरकार दे रही है ना स्कूल दे रहा है, सिर्फ हम अदर झूल में लटके हुए हैं पूरी तरह से। हमारा बच्चा जो एजुकेशन के लिए जा रहा है वहां पे हम लोगों ने कहा तो उन्होंने कंसीडर किया, चलो ठीक है आप इंस्टॉलमेंट में दे लो, लेकिन फीस माफ की तो वहां से भी हमारे पास नहीं आई। हम टीचर के हिसाब से देखते हैं तो हमारे लिए हमारा घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है। अगर हम एक दो, अभी जैसे सर ने बोला कि उनके पास इतना डिपॉजिट है, इतना सारा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, सब कुछ हुआ, सर हर आदमी बिजनेस करता है, आप एक कॉमन सी चीज सोचिए, वो कितने साल तक का जो है बचत करके रखता है? कोई करोड़ों रुपए तो स्कूल बचा के नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके चलता है, डेफिनेटली उसने कहीं कोई बिल्डिंग बनाई होगी या कुछ ना कुछ किया होगा। अब हम लोग को सर आपने बिल्डिंग नहीं बनाई है, लेकिन आप जैसे किसान जी आऊंगा आपके पास, आपके जैसे और पेरेंट्स भी तो एडमिशन लेना चाहते हैं, जब आप लोग आकर के कहते हैं कि 30 से ज्यादा एक क्लास में बच्चे ना बिठाए जाए, हमारे बच्चे को पूरी फैसिलिटी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज लेने के लिए आप आकर के स्कूल बोलते हैं, तो स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। आज 6 महीने से बिना पेरेंट्स ने जो फीस डिपॉजिट नहीं कराए उससे उन्होंने हमें 50% सैलरी दी है, अब बताइए इससे ज्यादा स्कूल कहां से बेयर करेगा? एक सबसे बड़ी बात है उन्होंने दे दिया, और थोड़े टाइम बाद क्या है 2-4% पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारी प्रॉब्लम को सुना और वो आकर के फीस डिपॉजिट भी करा के, और फुल फीस डिपॉजिट कराई उन्होंने, उनको कंसीडर भी किया जो पेरेंट्स नहीं करवा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल ने उनका साथ नहीं दिया है, लेकिन आप अपनी समस्या तो कम से कम बताइए ना। आप सिर्फ एक आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई का नतीजा किसी के द्वारा नहीं निकला जा रहा है, ना आपकी सरकार सुन रही है, ना आपका स्कूल सुन रहा है, ना पेरेंट्स सुन रहा है। जो लोग इस लायक है जो फीस जमा करवा सकते हैं वो भी आज हाथ ऊपर करके खड़े हैं कि इंतजार करें क्या शायद हमें कुछ फायदा मिल जाए। अब हम फायदा देखने जा रहे हैं, लेकिन 90% हमारा मार्केट खुल चुका है, 90% लोग अपने अपने जॉब पे लौट चुके हैं। अगर हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि ठीक है अगर आपका बच्चा स्टडी नहीं करना चाहता तो हम उसको स्कूल के उस ऑनलाइन से जो है साइट पे रखते हैं, नहीं साहब पढ़ेगा भी सही और फीस भी नहीं देंगे। आप बताइए सारी फैसिलिटीज तो हम लोग भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। हम टीचर जो स्कूल में 5-6 घंटे पढ़ा के आते थे आज घर में बैठ के हमें 12-12 घंटे बैठ के काम करना पड़ रहा है, चाहे हमें ऑनलाइन क्लास की तैयारी करनी है या फिर हमें उनके लिए वीडियो बना करके, 50% बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, 50% के बाद अगर सुविधाएं नहीं है तो हम उनके लिए ऑफलाइन जाके वीडियोस बना करके पूरी अपनी जो है ईमानदारी से अपना जो काम है वो कर रहे हैं। बताइए हम लोगों के लिए क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है, कहीं पे भी नहीं है किसी चीज का, तो हर आदमी हाथ खड़े करके खड़ा हुआ है, सब लोग एक प्यासी चिड़िया के जैसे सरकार के मुंह करके खड़े हैं कि हमें क्या करना है, इंतजार ही कर रहे हैं। बोर्ड कह रहे हैं आपको कंटिन्यू पढ़ाना है, आधे पेरेंट्स कभी कहते हैं हमारे बच्चों की आंख में दर्द है, पेट में दर्द है, ऑनलाइन नहीं बैठ सकता, बहुत सारी बात है। और सरकारें अपने पत्ते नहीं खोल पा रहे हैं, कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं बना रहे हैं कि हाँ स्कूल करके, क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हम कह रहे हैं कि एक अराजकता का माहौल होगा। अभी राजस्थान बंद की बात है, कल को भारत बंद होगा, स्कूलों के अंदर जाएंगे उनको रोकेंगे, वही चीज है। आज पेरेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद टीचर सड़क पे आ जाएंगे, हर आदमी सड़क पे ही आएगा, उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया हमें, सबसे बड़ी बात ही हम लोगों के लिए परेशानी की यही हो रही है। जी हाँ बोलिए ईशान जी, बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं आप?
परमार साहब मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। बताइए। यहाँ पे आपके दोनों राजनीतिक पार्टियां और हमारे गुरु मान लीजिए टीचर साहिबा भी बैठी हुई हैं, सरकार को एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा, क्यों नहीं सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकार एक्वायर करके बच्चों की शिक्षा कर ले, झंझट खत्म, सबको सैलरी मिलेगी और सरकार के लिए नहीं। वो सर हिला रहे कांग्रेस और भाजपा वाले दोनों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप देखिएगा परमार जी, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, आप पाइएगा जितनी प्राइवेट स्कूलें हैं जिनकी फीसें लाख लाख दो दो लाख रुपए हैं, आपको मैं कई उदाहरण दे दूंगा, 20 साल पहले कोई साइकिल चलाता था, आज 5,000 करोड़ की आईएएस स्कूल खोल के बैठे हैं। साहब बहुत सिंपल सी उदाहरण देता हूँ, कहीं पे गवर्नमेंट सिंधी कैंप लाने वाले थे, वो किसी स्कूल वाले को अलॉट कर दिया, कोई कब्रिस्तान की जमीन है उसको स्कूल वालों को अलॉट कर दिया, इनके पास साल की पांच, आप इनकी चेकिंग, इनके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी बैठाइए, आप पाइएगा कि इनके घरों में। तो साहब एक चीज बताइए, जो आपने पूछा मेरे से, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि सभी स्कूलों को सरकारी में सरकार अपने अंडर एक्वायर करके शिक्षा चालू कर दे, हम लोग बहुत खुश हैं उसके अंदर। सर वही चीज है, प्राइवेट स्कूल पे ही सारे रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर है वो फुल। आप ये बताइए, लेकिन हम लोग पूरा पूरा अपना डेडिकेटली जो है सारा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें 50% पे सैलरी पे रख दिया गया, वो टीचर जहाँ फैसिलिटीज नहीं है वो 50-50, 70-70 हजार रुपए आराम से सैलरी उठा करके घर बैठ करके आराम से कर रहे हैं। अब हमसे हमारी पूछे दीजिए उनका कुछ थोड़ा सा उनसे लेकर के हम लोगों की तरफ ट्रांसफर कीजिए, जिससे कि हम लोगों का भी जो है काम आराम से चले, कुछ तो सरकार निर्णय निकाले ना। आपके साथ हम लोग की सब लोग हम लोग संवेदनशील हैं आपको, आप लोगों के मुद्दे को लेके, लेकिन समस्या ये है मैम कि जो इतने सालों से स्कूल वालों ने, प्राइवेट स्कूल वालों ने ये करोड़ों की संपत्तियां बनाई है, उनके पास क्या फीस माफ करने के लिए पैसा नहीं है, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। मैडम एक चीज बताइए, अनुदानित जमीनों पे स्कूल खुल रखी है मैडम, अनुदानित जमीनों पे स्कूलें खुली हुई है, अनुदानित जमीनों के है, इनके ऊपर तो कोई भी पैसा नहीं लगाया हुआ इन लोगों का, ये लोग टैक्स फ्री इनकम पे अवेल कर रहे हैं, इनके आप बैंकों में देखिए ये लोग ब्याज अर्जित करते मैडम, कॉटन मनी सिक्योरिटी मैडम, कॉटन मनी सिक्योरिटी मनी कहाँ गई, कॉटन मनी सिक्योरिटी मनी कहाँ गई, जिनके ऊपर ये ब्याज लाखों का कमा रहे हैं। सिक्योरिटी मनी तो आपका बच्चा जब स्कूल छोड़ता है उसके बाद बोलना चाहता हूँ, नहीं आज तक किसी को नहीं मिली मैडम, मुझे इसका नीतू जी वापस आऊंगा आपके पास में, मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हुए, मिथिलेश जी आपके पास आना चाह रहा हूँ, स्थितियां आप इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी एक आश्चर्य की बात जो है वो है कि सरकारें खामोश क्यों है, क्या किसी अराजकता का इंतजार, हालात बिगड़े उसका इंतजार कर रहे हैं, कैसे देखें इसे? देखिए योगेंद्र जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है, उसमें कहा है कि जो डिजिटल क्लासेस लगती है उसमें टीचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पिछले 5 महीने से राजस्थान के टीचरों को न तनख्वाह है कुछ हो रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक गवर्नमेंट ने और एक जो चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर निगम का, पार्षद बनना चाहते हैं, उन्होंने एक धंधा बना लिया, नो स्कूल नो फीस का एक ड्रामा कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो अपने आप को पार्षद के चुनाव के लिए लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मूवमेंट चला के जयपुर में एक पार्षद बन चुका है, जबकि हालात यह है कि जो ऑनलाइन क्लास लेता है वो टीचर ज्यादा मेहनत करता है, उसको नो स्कूल नो फीस का नारा देकर आपकी जो सरकार है, राजस्थान सरकार है, वो भी क्लियर इसमें गाइडलाइन नहीं दे पाई है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लगभग 30-40 प्राइवेट स्कूलों के टीचर सुसाइड कर चुके हैं, हालात बहुत नाजुक है, वो कह रहे हैं हम पढ़ाना भूल रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिला 5 महीने से, तो उनकी पीड़ा को तो आप देख नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि उनको स्कूलों को, ये प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं है, इनको ये स्कूलें फ्री दी है, लेकिन हालात यह है कि जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनपे करोड़ों का लोन है, उनका मेंटेनेंस का करोड़ों का चार्जेज है, अगर आज ईमानदारी की बात है को जो जिसके पास पैसे में पॉकेट अलाउ करता वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा लेते आप, तो फीस नहीं देने का जो एक लॉजिक दिया गया है जिसे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने काट चुका है, और जो चंद जयपुर में जो पार्षद बनना चाहते हैं इसके बहाने से, जो उनकी सहानुभूति लेके उन्होंने एक धंधा बना लिया है जिसका खामियाजा पेरेंट्स को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, टीचर्स को हो रहा है, और एक ये बहुत बड़ी जो राजस्थान में 1,000 से ज्यादा बीएड कॉलेज है, राजस्थान में हर साल 1.5 लाख बीएड करके निकलते हैं, वैकेंसी निकलती है 10,000,
बाकी 90,000 प्राइवेट स्कूलों में नौकरियां करते हैं, उनको आप तनख्वाह नहीं दोगे तो आप वोट नहीं खराब कर रहे? क्या आप वोट नहीं खराब कर रहे? सरकार को यह समझना पड़ेगा, नो स्कूल नो फीस का जो कंसेप्ट है वो ठीक नहीं है, उसमें क्लियर गाइडलाइन देनी पड़ेगी। ये चंद जो पार्षद बनने के लिए उचक रहे हैं ना, इन पर रोक लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये टीचर क्या खाएंगे। राजस्थान के हालात बहुत नाजुक है, बेवजह आपने किसी को बिल्डिंग चल रही है, बिल्डिंग दी है, जमीन दी है, उसका मतलब है वो पैसे कहां से देंगे। हालात स्कूल वालों के भी नाजुक है, उनके ऊपर भी लोन है, बिजली के बिल है, अब 6-5 महीने से पैसा नहीं आ रहा, सरकार को बीच की कोई रास्ता, या तो आरटीआई की तरह इनको पैसा दे के पास में, या एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आप जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है, खबर जो है आपके काम की। खबरें जो जुड़ी हैं शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरों का अंबार, मनोरंजन का संसार, नए युग का आगाज। आप देख रहे हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें, हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक। जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी, शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ, मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार, खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है, खबर जो है आपके काम की। खबरें जो जुड़ी हैं शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरों का अंबार,
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम नो स्कूल नो फीस, इसको लेकर के पेरेंट्स आंदोलन की राह पर हैं। और बड़ी बात यह है कि सरकारों की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई अभी तक, किस बात का इंतजार है ये बड़ा सवाल है। चलिए मैं मित्र जी पास में था, मैं पंकज जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी वापस आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। गाइडलाइन की जो बात की जा रही है, देखिए देश भर में स्कूल है सभी जगह, लवल भाव यही है कि हर राज्य के अंदर यही स्थितियां बनी हुई है कि वहां पे आंदोलन की राह पर है कुछ लोग, जो टीचर्स है मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन हमारे फीस देंगे तो फीस से स्कूल में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पैसे मिलेगा, वहां से पैसा मार्केट में आता है, उनके अपने जो खर्चे हैं वो भी, एक अभिभावक भी होते हैं, तो ये चैन जो है इसे मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सरकारों की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। राज्य से बात करो तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं हम, तो केंद्र से बात करो तो कहते हैं कि राज्यों का विशेष अधिकार है ये, तो ये उलझन में कब तक फंसे रहेंगे? क्योंकि इससे मुझे जो लगता है भविष्य में कहीं ऐसा नहीं हो कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो इससे। मैंने अभी तीनों को सुना और रियली जो मैं बात करता हूँ, मैडम ने जो बात कही निश्चित रूप से, देखिए जो एक आम आदमी की पीड़ा होती है और जो ड्यूल पॉलिसी में होता है उनकी पीड़ा बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ वो टीचर है एक तरफ वो अभिभावक है, दूसरी तरफ आपने जो है अभिभावक को भी मैंने सुना। लेकिन देखिए बात कहां पर है, जैसे मित्रेश जी ने कहा कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप राजस्थान के राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर रखे? राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने और डबल बेंच ने, जिसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, उनके अंदर चार ऑर्डर है अभी तक। चार ऑर्डर में एक ही बात की गई है कि प्रॉब्लम कहां है कि टीचर अपना बात काम कर रहा है, पढ़ा रहा है बच्चों को, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको, लेकिन ये जो बीच का मैनेजमेंट है ना, प्रॉब्लम यहां पर है। ये जो मैनेजमेंट है यहां कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम है कि फीस एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है, राजस्थान फीस एक्ट में लिखा हुआ है कि आप जो है अभिभावक और मैनेजमेंट की मिलाकर के कमेटी का गठन कर दीजिए और उस गठन के हिसाब से जो फीस बनती है उस फीस को ले लीजिए। लेकिन रीजन क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये सोचता है कि हम अपने आप को क्यों झुके, हम अपने अकाउंट्स अपने रिकॉर्ड जो है क्यों सार्वजनिक करें, हम अपनी चीज को सार्वजनिक क्यों करें। दूसरा टीचर का कहीं प्रॉब्लम नहीं है, टीचर का कोई दिक्कत नहीं है, टीचर का काम केवल पढ़ाना है और रियल में वो पढ़ाता है और बच्चों को पढ़ाता है। अभिभावक का काम यह है कि हाँ बच्चे पढ़ेंगे फीस देंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैनेजमेंट अपनी चीज को खुला नहीं करना पा रहा है। अभी वरुण जी ने कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं वरुण जी बहुत यदि सरकार की तरफ मत जाइए, मैं पूछना चाहता हूं सर्वशिक्षा अभियान का पैसा कहां से आता है आपके पास में? एसएसए का पैसे क्या हुआ भाई, कितना पैसा आपके पास आ रहा है? और इन चीजों को फीस एक्ट आपने बनाया है ना, फीस जो एक्ट आपने बनाया है केंद्र सरकार में मत जाइए, जिस एक्ट को आपने बनाया है, जिस एक्ट को आपने विधानसभा में पास किया है, उस एक्ट की पालना आप जो है करवा दीजिए, मैं तो कह रहा हूं। और फिर ये कहता है गांधी परिवार कांग्रेस, अरे भाई क्या गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार को छोड़ करके तो आनंद शर्मा से लेकर के जो है आजाद से लेकर के सारे बाहर पड़े घूम रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इसको छोड़ दीजिए, गांधी परिवार को एक बार बाहर आइए, क्योंकि इनकी तो आदत क्या पड़ गई है, गोविंद का नाम नहीं लेंगे, अन्नपूर्णा माता का नाम था उसको भी जो है इंदिरा गांधी के नाम से जोड़ेंगे, तो इनके लिए तो भगवान से लेकर के सब कुछ जो है एक गांधी परिवार है। तो मैं कह रहा हूं इनकी तरफ मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैनेजमेंट को चाहिए कि जो फीस एक्ट की जो कमेटी है, देखिए परेशानी बिल्कुल है और मैं कह रहा हूं फीस एक्ट की कमेटी बननी चाहिए, लोगों की तनख्वाह मिलनी चाहिए, वहां का जो एक बहुत छोटे से छोटा कर्मचारी काम करता है ये निश्चित कर ले। पंकज जी एक चीज जानना चाह रहा हूं मैं, क्या केंद्र सरकार दखल नहीं देना चाहती इसमें? केंद्र भी तो दखल दे सकता है सीधा। देखिए नहीं सीधा दखल नहीं दे सकता, मैं फिर आपको कहता हूं कि फीस के अंदर क्योंकि फीस एक्ट बना हुआ है, अनेक राज्यों का अलग अलग फीस एक्ट बना हुआ है और फीस एक्ट क्लियर कट बना हुआ है। लेकिन आप यदि देखिए मैं कह रहा हूं डायरेक्टली जो होता है एजुकेशन का स्टैंडर्ड, एजुकेशन की सिलेबस, एजुकेशन का तरीका इसके ऊपर होता है, लेकिन संचालन के ऊपर जो है राज्य सरकार का होता है कि संचालन किस तरीके से स्कूल का होगा। क्योंकि यदि राज्य सरकार, योगेंद्र जी मैं कुछ बोलना चाहता हूं बीच में, करता है वो एप्लीकेबल होता है चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो चाहे वो स्टेट सरकार हो। तो मैं कह रहा हूं कि जो इसका जो होता है वो डीएम होता है और डीएम के बाद सरकार होती है। योगेंद्र जी इसका सॉल्यूशन जब निकलेगा, जब पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट स्कूल संचालक और टीचर सब मिलके कोई इसका रास्ता निकाले। इश्यू इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट में अब डोटासरा जी के पास प्रदेशाध्यक्ष का भार भी आ गया, तो प्राइवेट स्कूल के टीचर मिलने गए तो उनसे मिले नहीं, तो आपको एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही वक्त के मारे हुए हैं। इनकी बात सुनकर
नो फीस नो स्कूल के नाम पर स्कूल में जाते हैं, मैनेजमेंट वाला कह देता है आपको तनख्वाह नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या रास्ता हो जो राजस्थान में स्कूलों के लिए नियम बने हुए हैं, उनमें पहले जो टीचर के अपॉइंटमेंट में कमेटी हुआ करती थी जिसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता था, लेकिन अब सीबीएसई स्कूल में तो चलो फिर भी सीबीएसई का कंट्रोल है, लेकिन राजस्थान बोर्ड से जो स्कूलें जुड़ी हुई है उनके हालात बहुत नाजुक है। वहां टीचर रखने के लिए अलग होते हैं, कागज अलग दिखाए जाते हैं जब बोर्ड का इंस्पेक्शन होता है, रियल में टीचर नॉन ट्रेंड जो टीचर होते हैं नॉन बीएड किए हुए टीचर लगा रखे कम पैसे के चक्कर में, दो दो चार चार हजार के चक्कर में, और उनके नाम राजस्थान बोर्ड में ट्रेंड टीचर का दे रखा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसे राजस्थान सरकार अच्छी तरह जानती है, लेकिन आज तक वो ये नहीं खोलना चाहती क्योंकि पॉलिटिशियंस के भी बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। और ऐसे ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मेरिट का घोटाला होता है, उस सारी चीजें मिल मिला के कारोबार बन गया है। जो शिक्षा मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए थी, जो मृत्यु से अमृत्व की ओर ले जाने का उद्देश्य था, वो भटक गया है, अब पूरी तरह ये कारोबार बन गया है। और इस कारोबार पर नियंत्रण के लिए एक नियामक आयोग की जरूरत है। माननीय कांग्रेस के विधायक जब बोर्ड चुनाव में आए थे उसके पहले इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि हम उच्च शिक्षा नियामक आयोग बनाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल करने के लिए, आज तक नहीं आई। सरकारी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए जस्टिस शिवशंकर की कमेटी को लागू करेंगे, आज तक लागू नहीं हुआ। तो आखिर आपकी जो पॉलिटिशियन की कार्य करने की शैली है वो शैली ही भ्रष्ट है। जब आपकी नियत में खोट है तो उसका अंजाम तो जनता को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार अपनी जो मिथिलेश जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, सुना अभी आपने पंकज जोशी जी को, पंकज जी ने बॉल आपके पाले में डाली है। उनका साफ कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए, फीस एक्ट बना दिया लेकिन उसे लागू नहीं कर रहे हैं और स्थितियां बिगड़ेंगी तब सरकार की आंखें खुलेंगी। अरे भाई, इनको तो मैंने कहा ना, नाम मेरा लगा रहे हैं, लेना जरूर था गांधी परिवार का नाम अपने शब्दों में। भाई क्या जरूरत थी आपको लेने की, छोड़ो ये लोग तो यही करते रहेंगे, दो तीन चीज इनको सिखाई दे। अरे बीच में मत बोला, मैंने बोला आपके बीच में। अभी नीतू जी ने इतनी बढ़िया बात कही, एमिकेबल सॉल्यूशन इसका जब ही होगा जब आप जो है स्कूल टीचर्स की तनख्वाहों का व्यवस्था कैसे होगी, जो जिनको पूरी तनख्वाह मिल रही है, सरकारी टीचर्स को पूरी तनख्वाह मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों की या तो कटे तनख्वाह या उनको पूरी तनख्वाह मिल रही है तो पूरी फीस दें, उस हिसाब से हो सकता है। अब आप जो बार बार ये करते हो राज्य सरकार, अरे भाई ऑनलाइन क्लासेस फिर केंद्र सरकार कैसे जारी करती है गाइडलाइन, केंद्र सरकार कैसे कह रही है 1 सितंबर से स्कूल नहीं है 1 अक्टूबर से खुलेंगे, कैसे जारी करती है बातें, इनको होश तो किसी को है नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा लो आप, फिर कह सकते हो आपने एक्ट लगा रखा है पूरे देश पे इमरजेंसी का और राज्य सरकार क्या करते हो, राजस्थान करते हो आप, जब सरकार को गिराने के लिए राज्यपाल के पास जा सकते हो। योगेंद्र जी, योगेंद्र जी करना नहीं चाहते हो, सारे आपके नेता कहाँ पे जाते हैं स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए, बताओ सरकार को, जनता को, आप जाते हो सरकारी स्कूलों में। योगेंद्र जी, अब सरकारी स्कूलों के टीचरों को तनख्वाह मिल रही है, वरुण जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों के टीचरों को तनख्वाह मिल रही है तो इन प्राइवेट स्कूलों वालों ने क्या जुल्म किया है, इनको भी दे दीजिए ना वेतन। जवाब दिया अभी तक आपने, सुना नहीं क्या? सरकारी स्कूलों का आपको तनख्वाह मिल रही है तो उनसे पूरी फीस लीजिए या उनको काटिए उनकी फीस और वो स्कूलों को दीजिए। सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जीएसटी कलेक्शन में खराब करते हैं, टीचर्स के लिए सैलरी की पैसे की जरूरत नहीं थी, जो केंद्र सरकार ने इतना पैसा रिलीज किया था वो कहां गया, किस जगह गया वो तो पता ही नहीं है, कहीं उसमें कहीं टीचर्स का नाम ही नहीं, टीचर्स को भी कुछ दिया जाए। बजट होता है कहां गया 20 लाख करोड़, जीएसटी कोई जीएसटी नहीं दिया राजस्थान को, यहाँ पे टीवी पे बैठ के कुछ भी प्रवचन मत करो कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस क्या किया गुजरात में, आपने क्या किया यूपी में, क्या किया हरियाणा में? सर हम इसके लिए तो ज्यादा बेहतर है कि हम लोगों की जो समस्या है कम से कम उसी को। योगेंद्र जी, इसका एक महज सॉल्यूशन अशोक गहलोत साहब बड़ा दिल दिखाए और तमाम प्राइवेट स्कूल्स के मैनेजमेंट को बुलाए, वो क्यों नहीं मन की बात करें पूरे देश से, पूरे देश की समस्या नहीं है क्या? देखिए एजुकेशन विपिन जी, स्कूल एजुकेशन स्टेट का मामला है, ये स्टेट में आता है, स्कूल एजुकेशन स्टेट का मामला है, आप समझिए।
एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सारी गाइडलाइन तो केंद्र से आती है इमरजेंसी में। नहीं लेकिन लेकिन अशोक बुराई करते हो ना टीवी पे, उससे कुछ नहीं होता है। आप करो जनरलाइज बात, जैसे मैंने करी, पूरे देश की समस्या है, खाली राजस्थान की नहीं है। बुराई नहीं कर रहे हैं, ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप भी बोलना सीखो, कांग्रेस के खिलाफ मत बोला करो, आप बोलनी तो जनरलाइज बात करो, स्टेट्समैनशिप रखो। भाई प्रधानमंत्री की बात करते हो, क्यों नहीं टीचर्स से बात करते, क्यों नहीं अभिभावकों से बात करते पूरे देश में, अपनी बस अपनी राग अलाप रहे हो बैठ करके सब लोग। आप नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लेते एक बार में, पूरे नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, एजुकेशन स्टेट का इश्यू है और स्टेट का इश्यू सीएम निकलने वाला है। जो हमारा रियल मुद्दा है, कम से कम उस पर आकर के हम बात करें, बेवजह इस तरह से झगड़ने से कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकली बनाने की जरूरत नहीं है। ये रियल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हजारों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। बहस का मुद्दा रह गया, बाकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि एक चैन है, इस चैन सिस्टम को अगर टूटने देंगे, कहीं पे भी अगर ये चैन ब्रेक होती है तो हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जहां पे होगा उसी से अराजकता फैलेगी, जिसके फिक्र हमें करनी चाहिए। मैं ये लगातार बात कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम नेताओं से कि इसमें दखल करके इसका रास्ता निकालना चाहिए। जनता को अपने हाल पे मत छोड़िए कि कोई पेरेंट्स आज स्ट्राइक कर रहे हैं, राजस्थान बंद करा रहे हैं, कल जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो लोग स्ट्राइक करेंगे, इससे क्या होगा? सोल्यूशन नहीं निकल रहा, हम कब तक इसे खींचना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि इसमें सरकारों को दखल देने की जरूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और ऐसे जनता पे मत छोड़िए। जनता के हाथ में अगर आप कानून ऐसे व्यवस्था दे देंगे कि हाँ बिल्कुल आप कहीं धरने दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, करिए, फिर कल को जो टीचर्स पे मैनेजमेंट पे प्रेशर आएगा तो वो पैसे नहीं देंगे, फिर टीचर्स कहाँ जाएंगे, उनके पियोन्स कहाँ जाएंगे, उनका स्टाफ कहाँ जाएगा, पैसे फिर वो, उनको भी तो अपने खर्चे हैं, उनको भी अपने बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल्स में, उनको भी पैसे देने हैं, वह भी तो उसी सैलरी पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारी स्थिति है, मुझे लगता है कि सरकारों को वास्तव में इसका रिव्यू करना चाहिए और उस पर बैठ करके, और कोई ऐसा एक चाहे अभिभावकों को बैठाइए, मैनेजमेंट को बैठाइए कि हम कर क्या सकते हैं, कहीं कटौती कर सकते हैं। आप एक बार के लिए फीस स्थगित कर रहे हैं, अरे आप सितंबर में जमा करा देना, अक्टूबर में करा देना, अरे सर वो तो और बुरी स्थिति होने वाली है, एक साथ दो दो क्वार्टर के पैसे देना मुझे लगता है किसी भी अभिभावक के लिए और मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। मित्र आपके पास आना चाहूंगा मैं अभी, कुछ जी कुछ कह रहे हैं अभी बीच में, मैं नीतू जी के पास जाना चाहूंगा। नीतू जी आप से जानना चाहेंगे कि फीस का कहा कि मैनेजमेंट मिथिले उसमें मुहर लगा रहे हैं कि सिर्फ ये इतना पैसे, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उनके भी अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, उसके लोन को चुकाना है, स्टाफ है, बहुत सारी चीजें हैं जी। मैनेजमेंट के स्तर पे कभी कुछ सॉल्यूशन की बात आई है कि हाँ अभिभावकों के साथ में कोई टॉक किया जाए, क्योंकि अभी कुछ सर 50% फीस माफ कर दी किसी ने 30% कर दी, किसी ने कहा कि चलिए ट्यूशन फीस लेंगे बाकी चीज को हम माफ करते हैं, तो ऐसे कहीं से कुछ चर्चाएं आती है? सर बिल्कुल, हमारे स्कूल में भी पेरेंट्स ने इस तरह से एक धरना दिया था, उन लोगों से प्रिंसिपल ने हमारी बात की, उनसे बैठ करके उनकी समस्या सुनी और उनकी समस्या का समाधान भी किया कि आप लोगों को किस तरह समझ है, अगर कोई पे करने में सक्षम ही नहीं है तो उसको कम भी किया फीस को, और जिन्होंने कहा कि हम दे देंगे फुल फीस दे देंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो उन्होंने उस चीज के लिए भी उनको कंसिडर किया। मतलब कम से कम 60-70 टीचर पेरेंट्स वहां पे ऐसे थे जिन्होंने एप्लीकेशन रिटर्न में दी कि हमारी ये समस्या है, इस तरह से आप हमें सॉल्यूशन निकालिए। बकायदा प्रिंसिपल ने उसको सुना, बकायदा हमारे मैनेजमेंट ने उस पर कंसिडर कि ठीक है आपको जिस भी तरह से आप बेयर कर सकते हैं, 50% दे सकते हैं, 30% दे सकते हैं, जितना भी आप दे सकते हैं आप दीजिए। कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने पूरी फीस जमा भी कराई है और आगे आने वाले टाइम के लिए अश्योर भी किया है कि हम लोग पूरी फीस आपको देंगे, तो उन्होंने हमें टाइम पीरियड दिया, बकायदा सारी चीजें कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो जॉब है, हमारी जो सारी जो समस्या थी वो सारी पूरी हो गई, खत्म हो गई है, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैनेजमेंट तो लगातार पेरेंट्स से बात कर रहा है अपनी अपनी समस्या को लेकर, जैसे स्कूल में मैनेजमेंट 24 घंटे बैठता है, कभी भी जाइए क्योंकि हम लोगों का जैसे मिशनरी स्कूल है तो वो लोग वहां बैठे हुए मिलते हैं, स्कूल डेली खुलता है, हमारे जो क्लर्क क्लरिकल स्टाफ है वो डेली आ रहा है, आपको किसी भी तरह की समस्या आप फोन पे बात कीजिए, आ सकते हैं, स्कूल में आने के लिए कभी मना ही नहीं है, कोई भी दरवाजे स्कूल के बंद नहीं है, किसी भी तरह के कोई धक्का मुक्की नहीं है, आप तसल्ली से आके अपनी समस्या बताइए और उस समस्या का सभी का समाधान स्कूल ने किया ही किया है।
अब प्रॉब्लम ये कि हर आदमी प्राइवेट स्कूल में शुरू से पढ़ाने, जैसे सर ने बोला था बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, अब सबको हमारे गेट पे हाथ पर जोड़ करके हमारे बच्चों को एडमिशन चाहिए चाहिए, प्लीज आप दिला दीजिए कैसे भी करके, बिल्कुल एडमिशन दिया क्यों नहीं वाकई वो सरकारी स्कूल में, क्योंकि आज सरकारी स्कूल की स्थिति है कि एक कमरे के अंदर स्कूल चलता है और बाहर पेड़ के नीचे बैठ करके वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो की पूरी 50-60-70 जितना भी उनको मिल रहा है, उनकी सैलरी जो है बिल्कुल टाइमली जो है 31 या 1 तारीख को उनके अकाउंट में आ जाती है, जो पूरा स्कूल सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो पानी साफ है, चाहे आपकी बिल्डिंग पूरी है, खेलने के लिए आपके बच्चे को गार्डन भी चाहिए, बैठने के लिए उसको झूला भी चाहिए और फर्नीचर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चाहिए, ये सारी चीजें देख करके तो आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पहुंच गए, लेकिन जब फीस देने की बात आई तब आपके साथ समस्या क्यों खड़ी हो गई? आपने इससे पहले कभी नहीं समझा था? अपने बच्चे का भविष्य तो हर आदमी सोचता है कि हम लोगों को इसकी फीस का जुगाड़ करना है, एक साल पहले से ही हम अपने बच्चे का लेके चलते हैं कि हाँ हमारे को इतनी फीस देने, हमारे जो इनकम सोर्स है उसमें से इतना प्रतिशत हम हमेशा अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए हमेशा निकाल के रखते हैं, तो आज ये समस्या क्यों खड़ी हुई? आज स्कूल के ऊपर ही ब्लेम कर करके हम लोगों को किया जा रहा है कि स्कूल के साथ इतना पैसा आता है, एक बिजनेस है, बिजनेस तो हर आदमी करता है, हर आदमी ने अपना पैसा बचा रखा है, 6 महीने स्कूल ने अपना पैसा हम लोगों को दिया है, मैं बार बार ये बोल रही हूँ 6 महीने उन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया, इससे ज्यादा स्कूल के पास पैसा कहां से एक बार हमें बता दीजिए, इससे ज्यादा उनके पास नहीं है कि वो हमें बैठ करके खिला सके। ईशान जी हमारे साथ हैं, ईशान शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं, अभिभावक जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईशान जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ईशान शर्मा साहब हमारे साथ नहीं है अभी, मिथिलेश जी आपके पास आना चाह रहा हूं, मिथिलेश जैमिनी जी हैं हमारे साथ? चलिए वरुण जी कुछ कह रहे हैं आप बीच में। योगेंद्र जी मैं नीतू जी की बात से सहमत हूँ, हमको स्कूलों को कैटेगराइज करना पड़ेगा, जो मिशनरी स्कूल्स हैं जैसे मेरे मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ सेंट जेवियर स्कूल का, पटाबा भी वहीं का हूँ, तो हमारे सेंट जेवियर स्कूल की जो संस्था है उन्होंने तो इस चीज को बहुत ज्यादा ढंग से इसको एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास किया, सैलरीज भी दे रहे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन इस और जो प्राइवेट स्कूल जो नॉन मिशनरी प्राइवेट स्कूल है उनमें भी कैटेगराइज है, छोटे स्कूल है भी पंकज जी कह रहे थे उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, बड़े स्कूलों की कम है, तो जब तक कैटेगराइजेशन ऑफ स्कूल्स नहीं होगा जब तक आप इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको मैंने कहा बार बार सरकारी जो स्कूल है उसमें लोग पढ़ाना नहीं चाहते और जो आप उनकी जो टीचर्स हैं उनको सैलरी मिल रही है पूरी, तो आप या तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने का कोई मोटिवेशन हो, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट कुछ साल पहले आया था कि सरकारी जो कर्मचारी हैं चाहे आईएएस हो चाहे चपरासी हो जो भी हो किसी भी श्रेणी का कर्मचारी हो उसको सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। इस टाइप के जब तक सॉल्यूशन नहीं आएंगे ये पूरे देश की समस्या है, इसको आपको जो है पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके देखना पड़ेगा और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब नीतू जी ने इतनी अच्छी बात है 6 महीने से स्कूल जो मिशनरी स्कूल्स हैं वो सारी तनख्वाहें दे रहे हैं, तब उनके रेवेन्यू को ही वो मिशनरी स्कूल्स तो पैसा कमाने का बिजनेस करते नहीं है, मैं तो हूं उसमें अंदर मैंने देखी है चीजें, वो तो सारा वही इन्वेस्ट करते हैं वही बच्चों के लिए लगाते हैं, तो वो चीज आपको कैटेगराइज करनी पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल्स में मिशनरी स्कूल्स को अलग करना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स में बड़े प्राइवेट स्कूल्स जो बिजनेस हाउस चलाते हैं और जो छोटे स्कूल हैं उनको अलग करना पड़ेगा। और आपको जो है मैं एक बात जानना चाहता हूँ वरुण जी, मैं फिलहाल के लिए स्टेट गवर्नमेंट आपको नहीं लगता कि स्टेप उठाना चाहिए? ये सब बात की बात है लेकिन एक बार के लिए तो जो योगेंद्र जी मेरी बात को आप समझिए, स्टेट गवर्नमेंट सारी स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं, अपने प्रयास कर रही है सब स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उससे आप बगैर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के इधर उधर नहीं जा सकते, और कोई भी स्टेट एक्ट है उसको आप, अभी इन्होंने राजस्थान की बात की थी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं लेकिन जानकारी दे रहा हूं, कोई भी एक्ट जैसे लेबर लेजिस्लेशन है वो सब सेंट्रल एक्ट्स थे उन्हीं को सस्पेंड कर दिया, लेबर लॉज जो थे वो सेंट्रल एक्ट्स को ही यूपी गुजरात ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए, केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी हो चाहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब पूरी स्टेट से करनी चाहिए, फिर पेरेंट्स से करनी चाहिए, टीचर्स से करनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट वालों से करनी चाहिए, जब इसका सोल्यूशन निकलेगा एक राज्य पे आप थोप दो तो हम भी दूसरे राज्य की बात करने लग जाएंगे, ये तो पॉलिटिसाइज हो जाएगा सारा मुद्दा और ये पूरे देश की समस्या है, और आप देखिए एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो कितनी बड़ी परेशानी होगी, आप ऑनलाइन बच्चों को भी वो थोड़ी सीख दे सकते हो जो स्कूल में आप खेल कूद के बच्चों को टीचर्स के साथ लाड़ करते हैं, टीचर्स उनको डांटती भी है प्यार भी करती है पढ़ाती है, वो जो वातावरण है ना वो एजुकेशन का नहीं मिल पा रहा 6-8 महीने से, उसको तो हमको देखना ही पड़ेगा, और ये पॉलिटिकल करने की बजाय इसको केंद्र सरकार को आगे आए राज्य सरकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है टीचर्स भी कितने हिंदुस्तान में उनसे करें आपके पेरेंट्स से करें, वो चीजें जब सॉल्यूशन निकलेगा। जी बिल्कुल पंकज जी
आपके पास आना चाहूंगा। हम सॉल्यूशन की बात भी करना चाहेंगे कि चलिए ये सारी बातें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन हम सबको महसूस होता होगा ये बात कि वास्तव में जो कुछ हो रहा है उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए स्थायी रूप से। कुछ लोग फीस माफ कर रहे हैं, कुछ लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि शायद वहां से फीस माफ हुई है हमारी भी माफ हो जाएगी। जो देने वाले लोग हैं उनको देना चाहिए अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो ये अभी मुझे लगता है कि एक ऐसी उलझन में आकर के एक ऐसे मोड़ पे आकर के मामला खड़ा हो रहा है। मिथिलेश जैमिनी साहब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं कि उनको पार्षद का चुनाव लड़ना है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, सरकारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसमें दखल देना चाहिए, केंद्र हो चाहे राज्य हो। देखिए मैं योगेंद्र जी बहुत आपको विनम्र शब्दों में कहता हूं कि देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि जब आप यदि किसी चीज में, जैसे आज स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सफाई का रखे, लेकिन यदि वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो फेडरल स्ट्रक्चर ये कहता है, जो राजीव गांधी जी इनके बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, उन्होंने कहा था कि 73 और 74 अमेंडमेंट में ये कहा था कि उनकी स्वायत्ता खुद की स्वायत्ता है। और इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राज्य सरकार की स्वायत्ता है कि जो भी स्कूल्स होती हैं चाहे वो किसी भी सरकार की हो वो डीएम के अंतर्गत चलती है। देखिए प्लीज सिर उजिया और नहीं हो तो पढ़ के आ जाइए, और नहीं बहन तो मना कर दिया भाई ऐसे बहस नहीं करेंगे, तो ठीक है कल से बंद कर दिया करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप देखिए कि जब डीएम के उसमें चलती है तो सारा फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे ये हो, ये डीएम के उसमें होता है। और आप मैंने आपको फिर एक बार कहा जो नीतू जी ने कहा कि हम 6-6 महीने गाइडलाइन से चलना होगा, मैं वही आ रहा हूँ। देखिए केंद्रीय गाइडलाइन मुझे बताइए कौन सी केंद्रीय गाइडलाइन है जो आपको विरोधाभास है, मुझे एक चीज बता दीजिए किस केंद्र की गाइडलाइन से कौन सा विरोधाभास है। सर आपको बता देता हूँ पंकज जी मुद्दा ये नहीं आपको, सर मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं वरुण पुरोहित जी से भी मेरा सवाल रहा, मैं यही कह रहा हूँ योगेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूँ। आपने कहा काम की गारंटी का बिल बनाया, काम की गारंटी का जब बिल बनाया तो काम की गारंटी का बिल का उपयोग होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए। जब आपने फीस एक्ट बनाया जिसमें माननीय हाईकोर्ट राजस्थान की हाईकोर्ट ने 3 डिसीजन दे रखे हैं कि आप जो है उनकी कमेटी का निर्धारण करवाइए, मुझे बताइए डीओ क्या करता है बैठ करके, मुझे इतना बता दीजिए डीओ की ड्यूटी नहीं है क्या? सारी चीजों को मैं आपको कह रहा हूं योगेंद्र जी, मैं आपको प्रूफ के साथ कहूंगा कि डीओ जो है उनके डीओ के जो लेटर्स हैं या तो उनकी कॉपी मैं आपको दूंगा और आपके चैनल पे आप दिखाएंगे कि हाँ ये डीओ ने जो है प्राइवेट को लेटर लिखे हैं, है ना। और यदि डीओ नहीं कहता कि भाई प्राइवेट स्कूल हमारे अंडर में नहीं है, है ना, तो ये बताएं क्लियर करके हाँ नहीं हमारे अंडर में, हम उनकी बात करेंगे कि हाँ सेंटर के सीधा केंद्र जो है संचालन करेगा। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इन चीजों का जो है लगातार जो है आप जो है केवल जो है और मैं इसके अंदर सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि ये जाकर के वरुण पुरोहित जी जो है अभी जाकर के शाम को जो है प्रताप सिंह खाचरियावास जी से बात कर रहे हैं, उनका बेटा भी जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और उन्होंने जो पत्र लिखा है प्राइवेट स्कूल को सारे बीजेपी के नेता सेंट जेवियर स्कूल में लगाते हैं, आपके नहीं पढ़ते क्या सारे नेता? आपके मंत्री केंद्रीय मिशनरी स्कूल के पढ़े हुए, आप क्यों नहीं पढ़ाते आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में? आपने आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की फीस माफ कर दी क्या? क्या कांग्रेस दिन भर आर एस कर लगे मिशनरी स्कूल के एजुकेशन के लिए सिफारिश से सकते हो मंदिर में अपने बच्चे को स्कूल में जो है मंदिर स्कूल आने जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।